मरकजी वजीर उमा भारती ने आज मध्य प्रदेश में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपने नाम के साथ गांधी लगाते हैं, उनका ये नाम महात्मा गांधी के नाम का मतलब हरगिज नहीं है, बल्कि ये इसलिए गांधी लगाते हैं क्योंकि इस गांधी लफ्ज का ताल्लुक फिरोज गांधी से था। इंदिरा गांधी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे। अब इस पूरे खानदान की विशेषता क्या थी? क्योंकि ये जो गांधी शब्द है, ये महात्मा गांधी वाला तो है नहीं, ये तो फिरोज गांधी वाला है। जो गांधी है, ये जो इस खानदान के साथ जो गांधी है, वो आपको नहीं पता। इस खानदान के साथ जो गांधी शब्द है, ये फिरोज गांधी का गांधी है, ये महात्मा गांधी का गांधी नहीं है। और फिरोज गांधी का जो गांधी है, वो भी मैं आपको बता दूं, फिरोज गांधी के अपने ससुर जवाहरलाल नेहरू से अनबन हो गई थी और वो नहीं रहते थे नेहरू परिवार के साथ। तो असल में इनको गांधी लगाने का हक भी नहीं है इन लोगों को, लेकिन इनको लगा कि गांधी नाम से हमारी इज्जत रहेगी, इसलिए जो गांधी नाम लगाए हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये गांधी नहीं है। इनसे तो फिरोज गांधी भी अलग हो गए थे, अलग घर में रहने लगे थे वो, और इसलिए ये महात्मा गांधी वाला गांधी नहीं है। जो गांधी महात्मा गांधी वाले हैं ना, वो तो मोदी जी है महात्मा गांधी वाले, वो गांधी जी के चरण चक्र पे चल रहे हैं, वो स्वदेशी की बात कर रहे हैं, वो स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, हम महात्मा गांधी जी की बात कर रहे हैं, हम गांधी के आदर्शों पर चल रहे हैं।